आज का ये वीडियो स्केचअप ट्यूटोरियल का फोर्थ पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑटोकैड का ड्राफ्टेड प्लान को स्केचअप पे इंपोर्ट करके उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले स्केचअप ओपन होने के बाद आप जाएंगे फाइल पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए और फिर वो ड्राइंग फाइल आप सेलेक्ट कर दीजिए जिसको आपको स्केचअप पे इंपोर्ट करना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और सीधे इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अगर आपका ये कैड फाइल यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले कि ये ऑटो कैड फाइल्स पे लगा होना चाहिए, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद सीधे इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट होने के बाद प्लान ऐसे आ जाएगा। कैड में अगर आप कोई डॉटेड लाइन भी यूज़ किए जैसे यहाँ पर मैंने किया था, तो वो यहाँ पर सारी लाइन्स इसमें कंटिन्यूसली दिखेंगी आपको। ये प्लान मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। कई बार इसको जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे, अभी देखिए जैसे इसको मैं एक एक लाइन अलग अलग ले रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इम्पोर्ट करने के बाद ये एक पूरे कंपोनेंट में रहता है, तो काम शुरू करने से पहले आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर राइट क्लिक करके एक्सप्लोर पे आ जाइएगा, जिससे एक एक लाइंस अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी। इसमें फ़िलहाल वैसे ही दिखा रहा है, तो अब हम इसमें आगे काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे प्लान का एक बेस बना लेता हूँ। इसका डायमेंशन पहले देख लेता हूँ कितने बाई कितने का है। 37 फिट इसका दोनों साइड का डायमेंशन देख लीजिए और फिर उसी डायमेंशन का एक रेक्टेंगल बना लीजिए। 37 फीट 7.5 इंचज़ बाई 54 फीट 4.5 इंचज़। कॉमा लगा के आप डायमेंशन लिख देंगे। रेक्टेंगल टूल पहले सेलेक्ट किया मैंने, फिर एक सिंगल क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे राइट साइड में नीचे डायमेंशन में देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है 37 फीट 7.5 इंचज़ कॉमा 54 फीट 4.5 इंचज़। इसको लिख के सीधे आप एंटर कर दीजिए। उसी डायमेंशन का फिर ये एक रेक्टेंगल खिंच गया है। जब भी आप 3D में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इस सब को कंपोनेंट में लेके चलें। कंपोनेंट को फिर बाद में एडिट करना आसान होता है, नहीं तो अगर आप बिना कंपोनेंट के काम करेंगे तो बाद में अगर आपको उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो भी चीज़ सिंगल एक वॉल भी खींचें तो उसको कंपोनेंट में बना लें। इसको मैं बेस को कंपोनेंट में बना लेता हूँ। कंपोनेंट का नाम लिखने के लिए आएगा, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं और फिर सीधे क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। कंपोनेंट बनाते समय एक और ऑप्शन आया था, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे मैं एक आपको वर्टिकल रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। देखिए अगर जैसे ये मैंने बनाया, इसको मैंने पूरे को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक कंपोनेंट पे आया। इसमें एक ऑप्शन ये आप देख पा रहे होंगे ऑलवेज फेस कैमरा, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा, क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब आप जिधर भी कैमरा अपना पॉइंट करेंगे ये उसी डायरेक्शन में घूमेगा। इसको आप तब यूज़ कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आपने PNG फाइल की कोई ट्री डाउनलोड की है। आप जब 3D में काम कर रहे हैं, आपने एनवायरमेंट बनाना है अपने बिल्डिंग के सराउंडिंग में, तो आप उसको इमेज फॉर्म में इंपोर्ट करके ऐसे ही कंपोनेंट बना के ऑलवेज़ फेस कैमरे पे लगा देंगे, ताकि आप कोई भी किसी भी साइट से व्यू रेंडर करेंगे तो वो पेड़ आपको सामने ही दिखेगा। ये मैं आगे आपको बता दूंगा बाद में। चलिए फिर से बेस पे आते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल रहेगा। अब ये पूरे प्लान को मैं सेलेक्ट करके इस पर मूव कर देता हूँ। ये हो गया, इसको मैं फिर से पोजीशन में ले आता हूँ। इस प्लान में आप देख पा रहे होंगे मैं दो तरह के कॉलम यूज़ किया हूँ। एक का डायमेंशन है 9 इंचज़ बाई 9 इंचज़ और जो दूसरा कॉलम है वो है 12 इंचज़ बाई 9 इंचज़। इन दोनों का मैं कॉलम बना लेता हूँ कंपोनेंट में बना के,
फिर उनको बस उठा के इनके प्लेस पे रखना होगा, उससे काम आसान होगा और जल्दी हो जाएगा। अब जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये बाउंड्री बॉल है, बाउंड्री बॉल के जो कॉलम है उनका मैं हाइट 6.5 फीट रखूँगा और फ्लोर की हाइट मैं 10.5 फीट रखूँगा। उसी हाइट का मैं कॉलम्स बना लेता हूँ। सबसे पहले चलिए 9 बाई 9 इंच का बना लेते हैं। उसके लिए मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की है आर, आर दबाया मैंने और कीबोर्ड पे मैंने लिख दिया। आप राइट साइड में नीचे डायमेंशन वाले सेक्शन में देख पा रहे होंगे 9.9, एक्स और वाई का डायमेंशन आपने 9 9 इंच लिखा, फिर एंटर कर दिया। ये 9 बाई 9 इंच का एक रेक्टेंगल बन गया है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि सारे काम आप कंपोनेंट में बना के कीजिएगा, तो इसके लिए सिलेक्शन टूल से आपने पहले इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद कंपोनेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की है जी, जी आपने दबाया, ये क्रिएट कंपोनेंट पैनल खुल के आ गया। आप कोई स्पेसिफिक नाम भी दे सकते, फिलहाल मैं यही रहने दे रहा हूँ और फिर सीधे क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। अब ये कंपोनेंट बन चुका है। कंपोनेंट में काम करने के लिए अब जैसे आपको इसको हाइट देना है, तो अभी आप जैसे मान लीजिए मुझे 6.5 फीट का इसका हाइट देना है, तो अभी आप अगर पुल टूल को यूज़ करके लाएंगे तो आप इस पर देख पा रहे होंगे ये सेलेक्ट ही नहीं कर रहा है इस सर्फेस को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंपोनेंट में है और जो चीज़ कंपोनेंट में नहीं है केवल आप उसी को अभी पुल कर सकते हैं। कंपोनेंट में काम करने के लिए सबसे पहले आप सेलेक्शन टूल से उसको डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब वो सरफेस एक्टिव होगा। अब आप देख पा रहे होंगे केवल इसी पे फोकस है, बाकी सब फ्रोजन स्टेट में आपको दिखेगा। अब आप पुल टूल से आके जब उस पर ले जाएंगे पॉइंटर, तो देखिए डॉट डॉट दिख रहा है, यानी कि वो सरफेस सेलेक्ट हो चुका है। मैं कंट्रोल दबा के पहले बाउंड्री वॉल के लिए कॉलम उठा ले रहा हूँ। इसकी हाइट मैं दूंगा 6.5 फीट देना है इसकी हाइट, तो मैंने 6.5 फीट लिख के एंटर कर दिया। ये 6.5 फीट का हाइट आ गया है। अब देखिए आपको पुल करने के और तरीके बता देता हूँ। जैसे एक तो तरीका ये था कि आप कोई भी सरफेस बनाएं, पुल टूल से आके क्लिक किया आपने, फिर सीधे आपने डायमेंशन लिख दिया। जैसे मान लीजिए 6.5 फीट का मैंने बनाया था, 6.5 फीट लिख के एंटर कर दिया। एक तो ये हो गया डायमेंशन डाल के। एक और है तरीका कि मैंने रेक्टेंगल बनाया, मान लीजिए मुझे फिर से इसी हाइट का चाहिए रेक्टेंगल, तो इस बार मैं डायमेंशन नहीं डाल के इस पर सिंगल क्लिक करके सीधे दूसरे जो कंपोनेंट है उसके हाइट पे ले जाके मैं ले जाऊंगा। तो ये देख रहे होंगे आप ग्रीन डॉट बन के आ रहा है, उसका हाइट सेलेक्ट कर चुका है। अब इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो इसी हाइट का ये भी रेक्टेंगल आ गया है। इसका एक और तरीका है, रेक्टेंगल आपने बनाया, फिर आपने पुल टूल पे आइए, सिंपली आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए ये भी 6.5 फीट का ही बन जाएगा। ये कैसे काम करता है कि आपने लास्ट टाइम जो भी डायमेंशन यूज़ किया होगा ये उसी को डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। जैसे फिर से मुझे पुल करना है, सरफेस बनाया, डबल क्लिक किया, ये भी 6.5 फीट पे आ गया। चलिए बाकी के सारे मैं हटा देता हूँ। ये 6.5 फीट हाइट का एक कॉलम हो गया जो कि हम बाउंड्री वॉल के लिए यूज़ करेंगे। एक और मैं इसका बना लेता हूँ 9 बाई 9 इंच का, जिसकी हाइट मैं दूंगा 10.5 फिट, जो कि हम बिल्डिंग में यूज़ करेंगे। फिर से मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, सिंगल क्लिक किया, फिर मैंने लिखा 9.9, एंटर कर दिया। 9 बाई 9 इंच का ये बन गया। इसको मैं पुल कर देता हूँ 10.5 फिट का। इसको मैं पूरे को सेलेक्ट करके कंपोनेंट बना देता हूँ। देखिए जो भी कंपोनेंट बना होगा उस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो ब्लू कलर का दिखेगा, और उसको एक्सेस करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आप उसके सरफेस पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप बाहर से ही चाहेंगे तो पुल पुश करना या कुछ भी करना तो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा 9 बाई 12 का भी मैं कॉलम बना लेता हूँ। चूँकि मैंने 9 बाई 12 का कोई भी कॉलम बाउंड्री पर नहीं यूज़ किया है, तो इस बार मैं 9 बाई 12 का कॉलम 10.5 फीट हाइट का ही बनाऊंगा। उसी तरह रेक्टेंगल से सेलेक्ट करके मैंने डायमेंशन लिख दिया 12.12.9, एंटर। 12 बाई 9 इंच का ये कॉलम बन गया। इसको भी हाइट दे देते हैं 10.5 फिट का। पूरे को सेलेक्ट किया हमने, ग्रुप बना दिया इसको भी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे कॉलम को उठा के प्लान में जहाँ जहाँ पे जो जो कॉलम है वहाँ वहाँ वो प्लेस कर देंगे। प्लेस करने का सीधे सिंपल यही तरीका है, आप मूव टूल यूज़ करेंगे
एम दबाया आपने, कॉलम का एक कॉर्नर पकड़ा आपने, जिस कॉलम का 3D वाला जो आप जो पॉइंट उठा रहे हैं कॉलम का, प्लान में भी उसी पॉइंट पे रखिएगा, तो एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाएगा।